नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग को हमारा चैनल क्रूज अलोंग पे। मैं हूं आपका होस्ट रवन और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हीरो एक्सट्रीम 200S के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना और वक्त बर्बाद करते हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बाइक है हीरो एक्सट्रीम 200S, ये फियर्ड वर्जन है ऑफ हीरो एक्सट्रीम 200R और ये एस स्टैंड फॉर स्पोर्ट्स। तो अब बात करते हैं इस बाइक की लुक के बारे में। हीरो अभी फोकस कर रहा है प्रीमियम सेगमेंट बाइक पर, जिसके वजह से उसने लाया है हीरो एक्सट्रीम 200S। और इस एक्सट्रीम 200S का जो लुक्स है वो काफ़ी नया लुक है, काफ़ी स्टाइलिश है और काफ़ी ट्रेंडी भी है। अब आते हैं इस बाइक की हेडलैम्प के बारे में बात करते हैं। इस बाइक में हमें मिलता है ट्विन LED हेडलैम्प और ये हेडलैम्प काफ़ी अच्छा और बढ़िया लुक देता है इस बाइक को। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बाइक में हमें मिलता है सिंगल चैनल ABS और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमें कंसोल में नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। हीरो का एक ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तभी आपको ये नेविगेशन दिखाएगा अपना कंसोल पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कोई कॉल रिसीव करते हो तो वो कॉल भी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया है। ये फीचर हमें एंटॉर्क पे मिलता है, TVS एंटॉर्क पर। मैं एक चीज़ बता दूँ कि TVS एंटॉर्क में हमें कोई नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, नेविगेशन हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अगर कॉल आता है तो वो कॉल हमें डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये टेक्नोलॉजी वाइज ये अपग्रेड काफ़ी बढ़िया है। ये बाइक हमें तीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक है पैंथर ब्लैक, दूसरा है ब्राउन और तीसरा है स्पोर्ट्स रेड। अब बात करते हैं इस बाइक की इंजन के बारे में, इस बाइक का दिल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो इंजन कैपेसिटी है वो है 199 cc। इसमें जो हमें मैक्सिमम पावर मिलता है वो है 13.5 PS का एट 8000 RPM और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 17.1 Nm का एट 6500 RPM। बात करते हैं इस बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी का, तो इसमें हमें मिलता है 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो इस बाइक का जो हाइट है वो है 1106 mm का। इसमें हमें फ्रंट और रियर दोनों में ट्यूबलेस टायर्स मिलता है। अगर आप इसकी इंस्ट्रूमेंटल कंसोल को देखते हैं तो ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है और इसमें हमें मिलता है टैकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हमें टाइम भी शो करता है। साथ साथ इसमें हमें नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इसकी जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो है 5 ईयर्स। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 149 kg। और इस बाइक का फ्रंट में हमें मिलता है 270 mm का डिस्क और वहीं हमें रियर में मिलता है 220 mm का डिस्क। मैं थैंक्स देना चाहूँगा संदीप दा और लाल दा का, उन्हीं के वजह से ये वीडियो करना पॉसिबल हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ कि ये बाइक मोदनग्राम शोरूम में आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि आपको ये बाइक कैसा लगा, क्या आप ये बाइक खरीदना चाहोगे। और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रूज अलोंग को और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।